आप सब लोग मुझे देखकर इससे मौन हो गए हैं जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने आए हैं। एक घंटा बचा है और घंटा बहुत बड़ा होता है। पूरे 60 मिनट का होता है जिसमें से 10-12 मिनट निकल चुके हैं, अब 50 बचे हैं। देश के दिग्गज कवि सांड बनारसी जी को मैं प्रणाम करता हूं, और इसलिए प्रणाम करता हूं कि 30 साल पहले बुलाया था जब मैं 15 साल का था। इस बार भी गुरु जी ने ही आपका नाम आगे किया है। और सुदामा तिवारी देश का वो बड़ा नाम है, गर्व होता है, गौरव होता है कि उनके साथ काव्य पाठ करने का। मैंने बहुत सुना है, पूरे देश ने सुना। मैंने आज से 31 साल पहले महू में बुलाया था आदरणी को, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था, और वो कवि सम्मेलन पूरा का पूरा सांड बनारसी के नाम हो गया था। मैं चाहता हूँ कुछ जोरदार तालियां बजाकर आप बनारस का सम्मान। हाँ, उसमें बाल कवि बैरागी भी थे और हेडलाइन बनी थी उसमें जगदीश सोलंकी, बाल कवि बैरागी। उस समय मेरी उम्र मात्र 16-17 साल की उम्र थी, और जब से मैं इस काव्य के क्षेत्र में हूँ, और मैं आप सबका इसलिए भी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप इतनी अधिक संख्या में आए हैं, राष्ट्रभाषा के लिए आए हैं। क्या बात। और जो नहीं आए हैं उन्हें से मंच से श्राप देता हूँ कि जिस काम के लिए घर पे रुके हैं उस काम में सफलता नहीं। बहुत अच्छे बाबा बाबा बाबा। दास साहब जाने वाले थे, जाना तो हर किसी को है, लेकिन डॉक्टर साहब के होते अगर कोई आदमी चला जाए और खुद डॉक्टर साहब चले जाए, ये हो नहीं सकता है। जसवाल जी बहुत बढ़िया काव्य पाठ कर रहे थे, प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी, प्यार मोहब्बत की स्थिति बड़ी खराब है। राधा ने शाम से प्यार किया तो वो शाम हो गए। फोटो खींचना जरा। ये मार्केटिंग करना पड़ती है, आगे के कार्यक्रम मिलते हैं। बढ़िया बढ़िया। ये राधा ने शाम से प्यार किया तो वो शाम हो गए। राधा ने शाम से प्यार किया तो वो शाम हो गए, और राम ने सीता से प्यार किया तो वो राम हो गए। वाह। और उस नालायक ने जबरदस्ती प्यार किया तो आशा राम। यशवाल जी, प्यार बड़ा अद्भुत हुआ करता था कभी, आजकल का प्यार हमारे यहाँ तो 15 मिनट में 50 बार प्यार हो जाता है और पता ही नहीं पड़ता कि प्यार हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन प्यार होता है। मैडम आ गई है, ये अच्छी बात है। प्राकृतिक पीड़ा है और वो सफलता के साथ संपन्न करके आई होंगी, और प्राकृतिक पीड़ा हर किसी के साथ है। मैं आपको जोड़ता हूँ काव्य पाठ से। कविता का कल्पना है, भी विचार है, तालमेल है, इससे कविता का जन्म होता है। कविता मिल जाती है, काव्य पाठ करने में आसानी होती है। तो मैं जोड़ता हूँ आपको, तिवारी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सुदामा तिवारी जी, मैंने जो इनका व्यक्तित्व देखा, कृतित्व देखा है, उस पे पंक्तियां पढ़ता हूँ दमदार। स्वागत। बात अच्छी लगे तो समर्थन चाहता हूँ। स्वागत है। जो करीब से देखा है कि दौलत की झनकार नहीं, दौलत की झनकार नहीं, फन की खनक रखते हैं। सांड बनारसी को देखना और पंक्तियां सुनना है कि दौलत की झनकार नहीं, फन की खनक रखते हैं हम, फकीरों की बात मत पूछो, मुट्ठी में फलक रखते हैं। हम फकीरों की बात मत पूछो, मुट्ठी में फलक रखते हैं। और माना कि तुम सूरज हो, माना कि तुम सूरज हो, हमें तुमसे क्या लेना,
हम जुगनू ही सही पर खुद की चमक रखते हैं। आलिया बहुत कमजोर है। ये बात उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान की बात है। देश का बहुत बड़ा कवि हमारे बीच में है, तब मैं गेर बदलता हूँ, मैं कहीं से भी काव्य पाठ कर सकता हूँ। एक बार दमदार हमारे घर पर आए, साथ में भाभी जी को लाए, भाभी जी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें हंसने की क्या बात, पत्नी इनकी और भाभी मेरी और मजा आपको आ गया, और मजे का क्या, आ जाए तो अभी आ जाए, नहीं तो कल तक नहीं आए। एक आदमी को पूरी जिंदगी मजा नहीं आया, पर उसके पड़ोसी को आया, ये मजे का मजा है। बोले गुरु खाना खाएंगे, हमने कहा जरूर खाना खिलाएंगे, हमने हमारी पत्नी को आदेश दिया कि दमदार आया है, खाने की व्यवस्था की जाए, खाना बनकर तैयार होने लगा, तो दमदार जी बोले यार तुम्हारे घर पे खाना नहीं खाएंगे, किसी इंदौर की 5-स्टार होटल में खाना खाएंगे। हमने इंदौर की 5-स्टार होटल में ले गए, हाल में जाकर बिठाया, हैं साया जी होटल, बहुत बड़ी होटल है, वहाँ जाकर बिठाया, खाने का आर्डर दिया। दमदार बोले यार खाना वाना नहीं खाएंगे, सिर्फ चाय पियेंगे। हमने 3 कप चाय का आर्डर दिया, एक इन्होंने पी, एक इनकी पत्नी ने पी, एक मैंने पी। जब चाय पी तो 3000 का बिल भी आया। दमदार का दिमाग चकराया, बोला गुरु खाना तो खाया ही नहीं था, ये 3000 का बिल कैसे आया। होटल का बेरा बोला कि तुम खाना खाओ या ना खाओ, खाना तो तैयार था। दमदार ने उस बेरे के गाल पे चांटा मार दिया, स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। होटल का मैनेजर आया और बोला कि इसने, आपने इसकी चांटा क्यों मारा। तो दमदार ने कहा कि इसने मेरी पत्नी को छेड़ा। होटल का बेरा बोला मैंने तो नहीं छेड़ा। दमदार बोले कि तुम छेड़ो या ना छेड़ो, पर वो तो तैयार थी। यह हास्य का वातावरण बनाना पड़ता है, हास्य का मामला अच्छा लगे तो ताली बजाकर, कहीं से भी बात हो सकती है। मैं यहाँ के आयोजकों को इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ एक भी नेता नहीं है, एक भी नेता यहाँ नहीं बुलाया गया, ये बहुत अच्छी बात है। देश के 3 कवि कवि सम्मेलन की यात्रा पर हैं, तीनों ही रेल के डब्बे में बैठे हुए हैं। जिस रेल के डब्बे में बैठे हुए हैं उस रेल के डब्बे में एक विधायक भी बैठा हुआ है। टीटी आया, विधायक से बोला कि टिकट, विधायक ने कहा MLA, टीटी चला गया। दमदार बोले यार MLA बोल दो, टिकट नहीं लगता है। मैंने कहा इसका प्रयोग दिल्ली के स्टेशन पे करेंगे, और जैसे ही दिल्ली का स्टेशन आया गेट पर टीटी खड़ा हुआ था। दमदार ने टीटी को देखा, टीटी ने दमदार को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। टीटी ने कहा टिकट, तो दमदार ने कहा सोनिया गांधी। टीटी ने कहा नाम तो सुना था, आज दर्शन भी हो गए। इस तरह की घटना दुर्घटना हमारे साथ हो जाती है, और मैं आपको कविताओं से जोड़ता हूँ। सारी रात सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत सुधी श्रोता हैं। मैं 1100 किलोमीटर दूर से आया हूँ, कई यात्राएं करना है, तब मैं आपको एक व्यंग सुनाता हूँ। व्यंग अच्छा लगे थोड़ा हल्का करता हूँ, कि कौन हल्का कौन भारी है, कौन हल्का कौन भारी है, ये तराजू की जिम्मेदारी है। कौन हल्का कौन भारी है, ये तराजू की जिम्मेदारी है, और जिसे लोग फसाद कहते हैं ये सियासत की चांदमारी है। जिसे लोग फसाद कहते हैं ये सियासत की चांदमारी है। और मैं थोड़ा हल्का इसलिए करता हूँ कि भारी भारी बातें होने वाली है, इसलिए मैं हल्का करता हूँ। कि दो दोस्तों ने मिलकर देखी फिल्म शोले, दो दोस्तों ने मिलकर देखी फिल्म शोले, दूसरे दिन एक दूसरे से बोले कि यार बड़ा कमाल कर गई धन्नो घोड़ी, बसंती की इज्जत बचाने के लिए कितना तेज दौड़ी। कि दो दोस्तों ने मिलकर देखी फिल्म शोले, दूसरे दिन एक दूसरे से बोले कि यार बड़ा कमाल कर गई धन्नो घोड़ी, बसंती की इज्जत बचाने के लिए कितना तेज दौड़ी। तभी दूसरा मित्र बोला कि दरअसल बात तुझे समझ में नहीं आई, धन्नो ने इतनी तेज दौड़ क्यों लगाई। उसका भी अपना लॉजिक सवाल था, डाकुओं के पास 4 घोड़े थे, उसको भी अपनी इज्जत का ख्याल। बहुत अच्छे बाबा, बाबा बाबा वाह 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 वाह। मैं पिछले दिनों
सब टीवी पर गया था, वाह वाह क्या बात है। उसमें एक सीरियल आता था और शैलेश लोढ़ा जी उसका संचालन करते थे। सब टीवी का बहुत ही विख्यात और प्रख्यात कार्यक्रम था, उसमें मैं गया था, बुलाया था और 10 बार उसके चैनल पे वो आया हूँ मैं। और आज तक मैं जब गया उसके बाद से वो चैनल ही बंद हो गया। सबसे बड़ी बात ये है उसमें, तो चैनल तो बंद हुआ लेकिन TRP बड़ी मेरी, पूरे देश में मुझे बुलाए जाने लगा। तब मैं बात करता हूँ, क्या बात हुई, कैसी बात हुई, किस तरह की बात हुई मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ बात हुई। उस बात को मैं आप तक रखता हूँ कि मेरी पत्नी बड़ी धार्मिक स्वभाव की है, सुबह से शाम तक 15 से 20 मंदिरों में जाती है, बाकी कार्य के लिए समय ही नहीं मिलता है। मेरी पत्नी इतनी सीधी है, इतनी भोली है कि सुबह से शाम तक 15 से 20 मंदिरों में जाती है, बाकी कार्य के लिए समय ही नहीं मिलता है। मेरी पत्नी का तकिया कलाम है कि सब ऊपर वाले की कृपा है, सब ऊपर वाले की कृपा है। ऐसा दिन में वो 100-200 बार बोलती है कि सब ऊपर वाले की कृपा है, सब ऊपर वाले की कृपा है। मेरे घर के ऊपर किराएदार रहता है। मेरे घर के ऊपर किराएदार रहता है। सांड जी विश्वास करना कि आज तक मैंने अपनी पत्नी को 500 रुपए की साड़ी नहीं पहनाई, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी 5000 रुपए की साड़ी पहनकर बैठी हुई थी, गहने भी पहन रखे थे, बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। मैं पत्नी के पास गया, कान में जाकर फुसफुसाया कि आज बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो, क्या बात है। पत्नी बोली, सब ऊपर वाले की कृपा है। मैंने पत्नी से कहा कि दाल चावल बनाना, पत्नी ने खीर पूड़ी बना दी। मैं बाजार से घर आया, मैंने पत्नी से कहा कि दाल चावल लाओ, पत्नी बोली खीर पूड़ी खाओ। मैंने कहा खीर पूड़ी बनाने का क्या कारण है, पत्नी बोली सब ऊपर वाले की कृपा है। साहब मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ईमानदारी से मेरे ही हैं, इसमें कतई किसी का कोई लेना देना नहीं है। मेहमान आए, बच्चों को देख के बड़े खुश हुए कि ये आपके बच्चे हैं, इतने सुंदर बच्चे आपके हैं, इतने अच्छे बच्चे आपके हैं, इतने शानदार बच्चे आपके हैं। पत्नी बोली सब ऊपर वाले की कृपा है। पत्नी बोली सब ऊपर वाले की कृपा है। पत्नी बीमार पड़ गई, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा, एम्बुलेंस ने पत्नी को बिठाना पड़ा, अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। और महिला डॉक्टर ने पत्नी को देखा तो नर्स भागे भागे आई कि खुशी का समाचार है, खुशी का समाचार है, आपके यहाँ संतान की उत्पत्ति होने वाली है। मैं भी भागे भागे गया, पत्नी को बधाई देने लगा। पत्नी बोली ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सब ऊपर वाले की कृपा। मैं ऊपर वाले के पास गया कि मकान खाली कर, इज्जत खराब हो रही है। वो किराएदार भी बड़ा सीधा साधा समझदार था, उसने मेरी बात सुनी सांड जी और मकान खाली कर दिया। आज किसी किराएदार से मकान खाली कराओ तो 20 से 25 साल लगते हैं, फिर भी मकान खाली नहीं होता है। लेकिन मेरा मकान खाली हुआ, और जब मकान खाली हुआ तो मैं भी 15 से 20 दिन के लिए बाहर गया। और जब बाहर से घर आया, देखा पत्नी उदास बैठी हुई थी, मैं पत्नी के पास गया और बोला कि क्यों उदास हो। पत्नी बोली ऊपर वाले की याद आ रही है। ये बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की साख होती है, और हर बात को बात नहीं कहते, बड़ी मुश्किल से बात होती है। और 3 मिनट का समय मैं और चाहता हूँ आपसे, और 3 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा और यहाँ से अंतर ध्यान हो जाऊंगा। सांड जी, मैं एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ, आप सबके हृदय में कविता उतारना चाहता हूँ। भगवान ने इंसान को बनाया और इंसान ने जो कार्य किए उससे भगवान को बड़ी बेचैनी हुई, बड़ी तकलीफ हुई, तब मैं बात करता हूँ। कविता की भूमिका में इतना कहना है बस, डॉक्टर साहब 2 मिनट का समय आपसे बोल लेता हूँ और मैं आपको फिर इजाज़त दूंगा, ये मंच इजाज़त देगा, तब पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ कि भगवान तुम्हें जमी खा गई या आसमान कहाँ हो, भगवान तुम्हें जमी खा गई या आसमान कहाँ हो। मैंने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च के पते पे तुम्हें ढेरों पत्र लिखे, पर डाकिये ने सब खत लौटाते हुए कहा कि तुम्हारे भगवान मुझे कहीं नहीं दिखे।
तुम्हारा ये पत्र लिए भटका हर रोज में, तुम्हारे भगवान की खोज में मैं मंदिर गया था, वो नजर आया पुजारी, अधूरे दंगे की पूरी तैयारी। मौलवी मस्जिद में कत्लेआम की जिद में, गुरुद्वारे में सिसक रही थी गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी, फेर दिया है जिसमे चंद लोगों की नमक हरामी ने पानी, और सभ्यता संस्कृति फिजूल खर्च में आधुनिकता का नशा नजर आया मुझे चर्च में, आधुनिकता का नशा नजर आया मुझे चर्च में। ये कहते हुए डाकिये ने कहा कि तुम्हारे भगवान का और कोई पता है? मैंने कहा शायद लापता है। तभी एक वयोवृद्ध श्वेत केशधारी बात काटते हुए हमारी महाभारत के अंदाज में बोला कि मैं समय हूँ, तुम्हारी पीड़ा पहचानता हूँ, भगवान का पता सिर्फ मैं जानता हूँ। यूं तो भगवान का पता अंतरात्मा के मेल में है, लेकिन भगवान आजकल जेल में है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जेल में है, वाह 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 वाह। भगवान आजकल जेल में है, क्या भगवान भी कोई अपराध करता है? क्यों नहीं, भगवान का अपराध है आदमी। तर्क के ताने मत बुनो, जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज से कई साल पहले न्याय की देते हुए दुहाई, जानवरों की एक टोली भगवान की अदालत में ये कहते हुए आई कि जज मिलॉर्ड, हम आपकी अदालत में आए हैं होके लाचार, इन आदमियों ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, नाम जाति धर्म और संस्कार, इन्हें इनकी इंसानियत से मिलवाइए, जानवर होना हमारा अधिकार है, हमें दिलवाइए। जानवर होना हमारा अधिकार है, हमें दिलवाइए, हमारा सब कुछ स्वाह है, प्रमाण के रूप में कुछ गवाह हैं। तो अदालत के कटघरे में सबसे पहले एक कुत्ता नजर आया, उसने रोते हुए अपना दर्द सुनाया कि हुजूर मैं कुत्ता हूँ, गर्व से कहता हूँ, पर दुर्भाग्य से आदमियों की बस्ती में रहता हूँ, ये लोग हमें बंगलों में पालते हैं, वरना घर गली आंगन चौराहों पर रोटी के टुकड़े डालते हैं, ये वतन की खाकर वतन से गद्दारी करते हैं, एक हम हैं जो रोटी के चंद टुकड़ों के बदले जिंदगी भर वफादारी करते हैं। वाह 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 वाह, रोटी के चंद कहने वाह वाह वाह, टुकड़ों के बदले जिंदगी भर वफादारी करते हैं, ये फिर भी हमें धिक्कारते हैं, हमारा नाम ले ले के पुकारते हैं, हमारे संस्कार लिए नेता बने डोलते हैं, संसद तक में हमारी भाषा बोलते हैं, वाह, संसद तक में हमारी भाषा बोलते हैं, फिर भी आप मौन हैं, बताइए कुत्ते कौन हैं? बताइए कुत्ते कौन हैं? और अगले क्रम में अपने आप कटघरे में चला आया सांप, बोला हुजूर एक बूंद जहर के कारण अगर हम जहरीले कहलाते हैं तो ये आदमी कौन है जो पूरे देश और समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैलाते हैं? जो पूरे देश और समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैलाते हैं। और इस तरह एक एक करके सबने अपनी व्यथा सुनाई, और जब अंतिम फैसले की घड़ी आई तो भगवान ने कहा कि सचमुच आदमी भरोसे के काबिल नहीं रहा, इतिहास में नहीं हुआ होगा ऐसा फैसला सुना रहा हूं मैं, और आदमी बनाने के अपराध में स्वयं जेल जा रहा हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, बनाने के अपराध स्वयं जेल जा रहा हूँ मैं, और उस दिन से भगवान जेल में है, ये दुनिया मगन अपने खेल में है, और जिस दिन आदमी पर लगे सब आरोप धुल जाएंगे, भगवान की जेल के ताले अपने आप खुल जाएंगे। क्या बात है बाबा, हम सबके बीच आएगा, अपनी उंगली पे गोर्धन उठाएगा, समुद्र पर पुल बनाएगा, नानक ईसा मोहम्मद महावीर और दयानंद बनकर हमारे कष्ट तारेगा, धर्म फिर जीतेगा अधर्म फिर हारेगा। क्या बात, फिर जीतेगा, क्या बात, अधर्म फिर हारेगा। वाह शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।